वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राखी सावंत के विषय में। आज की चर्चा जो है वो राखी सावंत के विषय में है। अभी हाल ही में कल और आज के अंदर ही राखी सावंत का न्यू लुक सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपना हेयर कट करा लिया है। अब हेयर कट के बाद उनका कैसा न्यू लुक आता है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उनके ड्रेसर ने क्या वैलिड रीजन दिया, जिस वजह से राखी ने जो बाल कटाए हैं उसका रीजन आपको सुनेंगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, जिस तरह से मेरा दिमाग चकरा गया। तो चलिए, जब इतने क्रिंज व्लॉगर्स को मैं साथ में लाई रही हूँ तो अपनी राखी सावंत को कैसे भूल सकती हूँ। तो चलिए आज राखी सावंत को देखते हैं। पहले तो उनका न्यू हेयर कट देखते हैं किस तरह से उन्होंने कराया है। तो चलिए पहले देखते हैं, फिर मिलते हैं। मेरा ऐसा हुआ है, इतना स्ट्रेस के बाद मेरे बाल गिर गए, इसलिए आज मैंने बाल कटवा दिए। इतना स्ट्रेस दे दिया, मेरे पूरे बाल गिर गए, मैंने आज बाल कटवाए। उतना स्ट्रेस मुझे उसने दे दिया। मैं उमरा करके आई हूँ, आने के बाद मेरी फ्रेंड मेरी बहन मेरे पास आ गई वापस। अब वो भी आ जाएगी, एक और बच्ची है ना, वो भी आ जाएगी। 8 साल की दोस्ती, बताओ, मुझे छोड़ के उधर चली गई एक घोड़े के कारण। वो घोड़ा पिता है ना। राखी, आपको दोस्ती वापस करनी है मोरे से? वापस दोस्ती करनी है? पैचअप हो जाना चाहिए आपको लगता मुझे है? नहीं तो? चाहिए। अब आपने देख लिया, उसके बाद आपको रीजन भी इन्होंने जिस तरह से बताया कि टेंशन में मेरे बाल गिर गए थे और उसके लिए मुझे हेयर कट कराना पड़ा। अब किसी ने इनसे ये पूछा भी कि बॉलीवुड में जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगी तो ये हेयर का क्या होगा, तो उन्होंने अब उसमें भी उन्होंने आपत्ति, हाँ जाऊंगी बॉलीवुड में, वेब सीरीज में जाऊंगी, उसमें फिर देखा जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद जो है एक और फेस इनका सामने आया है, जिसमें वो किसी गरीब को, जो कि थोड़ा सा मतलब हाथ पैर से थोड़े से वो थे, और उस पर उनको पानी पिलाना, उसको एक चॉकलेट या केक खिला के पानी पिलाना, फिर उससे ब्लेसिंग लेना, ये रूप भी इस समय इस ड्रामे के बीच में राखी सावंत का सामने आया। हो सकता है जब हम लोग को ड्रामा लगता हो, दिन उनका थोड़ा सा वैसा है तो कई चीजें जब ओवर हो जाती है तो वो ड्रामा लगने लगती है। तो चलिए हम इसकी भी क्लिप देख लेते हैं कि किस तरह से ब्लेसिंग ले रही है, उसको पानी पिला रही है, उसको ऐसा कर रही है। अब आपने देख ही लिया होगा, सब समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग भी इंटरटेन हो ही रहे होंगे इस समय काफी ज्यादा। सबसे बड़ी बात है कि इन सब के ड्रामे को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस पेपराजीज दे रहे हैं। पहले से हो सकता है ये लोग बोल देते हैं पेपराजीज को, मैं यहाँ आई हूँ, इस तरह से है, उस तरह से वो कर रहे हैं। आदिल दुर्रानी इनके पति इनको एक्सपोज कर रही है, आदिल दुर्रानी को एक्सपोज कर रही है। अब इस विषय पे तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी क्योंकि अब इनका मैटर बहुत बड़ा है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही है, सबको पता है। राखी ने उनके ऊपर काफी एलिगेशन लगा के जेल भेज दिया था। अब जब आदिल दुर्रानी उसके बाद आ गए हैं, यानी कि अपनी जमानत बेल कराने के बाद जब बाहर आए हैं तो वो एक्सपोज करने पे लगे हुए, उन्होंने भी डिफेमेशन का केस और ये सब केस किया है राखी पे, जिसके ऊपर ये पागलों की तरह इस तरह की हरकत कर रहे हैं क्योंकि इनको ये चीज भी पच नहीं रही। अब जो है कुछ पेपराजीज जो इनसे कैसे एंटरटेन हो रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। पेपराजीज ने कह दिया आप तो ये पुष्पा वाला लुक दे रही है, तो वो पुष्पा वाला आइकॉनिक डायलॉग में मिल रही है, झुकेगा नहीं। और चलिए देखते हैं ये भी क्लिप। राखी जी, ये न्यू लुक का झुंड में तो सुअर आते हैं, राखी अकेला आती है, शेर नहीं अकेले आती है। ये राखी, मैं फ्लावर नहीं, फायर नहीं, झुकेगा नहीं साला। ये क्या बात है, समझे? ये नाम है मेरा, सबका कर दूंगी खात्मा, क्योंकि मेरा नाम है फातिमा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अभी इनका ड्रामा खत्म नहीं होगा, ये भी आपको पता है। शर्लिन चोपड़ा से लड़ाई हो रही थी, परसों तक गालियां पड़ रही थी, कल से फिर से दोनों में दोस्ती हो गई, आप समझ रहे हैं। राजश्री मोरे से भी लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, कब वो उधर की पार्टी छोड़ के इधर आ जाए कोई ठीक नहीं है। जबकि अभी परसों राखी बांध रही थी ये शर्लिन चोपड़ा आदर को, और साथ नहीं छोड़ेंगे भाई, साथ नहीं छोड़ेंगे दूसरे, अगले पल 24 घंटा बीता नहीं इसके साथ आ गई, मैं तेरी बहन हूँ, कुरान पे भी किताब, पवित्र किताब पे भी हाथ रख के बता रही हूँ, किताब की कसम खा के बता रही हूँ, मैं तुम मेरी ताउम्र बहन रहोगी, जिंदगी भर बहन रहोगी। ये सारे ड्रामे इनके साथ चल रहे हैं, और साथ में
धार्मिक इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और इस तरह से इस चीज़ें इन लोग के क्रिंज जो है वो किए जा रहे हैं। अपना अपना सब चीज़ कर लो, ड्रामा कर लो, ये कर लो, कर लो। हमको ये लगता है कि हाँ, पवित्र किताब, भगवान की किताब जो भी है, इन धर्म है, इन सबको बीच में नहीं लाना चाहिए। फातिमा बन गई हैं, आप लोग जानते हैं कि आदिल दुर्रानी से शादी के बाद फातिमा बन गई हैं राखी सावंत। ले अब वो कहती हैं, अब उमरा भी करके आई हैं भैया, बहुत पवित्र जगह मक्का होके आई हैं, उमरा करके आई हैं। कहती हैं मुझे राखी सावंत, मैं बॉलीवुड में हूँ, वैसे मुझे आप लोग फातिमा बुलाएं। और कुछ लुक्स आपने देखे ही होंगे कि अबाया पहन के, वो जाने कौन कौन से अरबी अबाया और ये सब पहन के गले में, फिर एक दिन अबाया के ऊपर से कोर्सेट भी पहन के आ गई थी। तो उनका ये ड्रामा चलता रहेगा। हमारी वीडियो अगर इनके सारे ड्रामे पे बात की तो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियोस बनानी नहीं थी आपके साथ। सिर्फ राखी सावंत का ये नया लुक हेयर स्टाइल, ड्रामेटिक हेयर स्टाइल शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जरा सा भी एंटरटेन हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वैरायटीज भी आपके लिए अपने बैनर्जी मंत्रा पे ला रही हूँ, जिससे आप बोर ना हो। अकेले गधी से आप लोग बोर हो रहे थे मुझे पता है, तो गधी के साथ साथ कुछ गधेड़ों को भी लपेटा जाए ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।